हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि आज काफी सारी न्यूज पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूँ इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे और सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे हैं तो उसके लिए जो लास्ट डेट है बहुत जल्द आने वाली है, यानी कि जो ट्रेडिशनल कोर्स है उसमें कल तक फॉर्म भरे जाएंगे और जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें 7 तारीख तक फॉर्म भरे जाने हैं। इससे आगे जो डेट बढ़ने के चांस है वो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि बहुत कम चांसेस है, 1% चांस भी नहीं है। तो यदि आप भी और सेमेस्टर में हैं तो अपने एग्जाम फॉर्म फिल जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि यदि आपका एग्जाम फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा तो फिर आप परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं। तो साथी, जल्द से जल्द अपने परीक्षा फॉर्म को फिल कर लीजिए। इससे आगे बात करें जो एलएलबी के लिए एडमिशन चल रहे हैं, 3 ईयर एलएलबी के लिए, तो उसमें पहली ओपन मेरिट लिस्ट के जो एडमिशन है उसकी आज लास्ट डेट है। यदि आपका पहली ओपन मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है एलएलबी 3 ईयर में तो वो आज आप अपना कन्फर्म करा सकते हैं, उसमें आज आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद में आज डिसीजन लिया जाएगा कि दूसरी ओपन मेरिट लिस्ट कब जारी की जाएगी और जो नए बच्चे हैं जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था तो उनके लिए पोर्टल ओपन होना है या नहीं होना है, इस पर भी आज डिसीजन लिया जाना है। तो जैसे ही उसके बारे में कोई भी डिसीजन आएगा तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो यदि आप नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इससे आगे बात करें जिसके लिए लाखों बच्चे परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में परेशान हैं, तो उसको लेकर भी अब फैसला आ गया है। जो आपके प्राइवेट के फॉर्म हैं तो प्राइवेट के फॉर्म फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी आने वाले हैं, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि प्राइवेट के फॉर्म फर्स्ट ईयर के लिए नहीं आएंगे। जो चीजें चल रही थी उत्तर प्रदेश में, अब रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, तो प्राइवेट के फॉर्म आने वाले हैं। उसके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशन है वो भी साइट पर डाल दिया गया है, यानी कि अभी फॉर्म नहीं आए हैं, नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। तो आपके जो फॉर्म है प्राइवेट के लिए बहुत जल्द आने वाले हैं, तो फर्स्ट ईयर के लिए भी भरे जाएंगे और आपके जो सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए वो तो भरे जाने हैं, थर्ड ईयर में वो भी आपके भरे जाने हैं, यानी कि जो आपके नेक्स्ट क्लास के हैं वो तो फॉर्म फिल होने ही हैं। और उसके साथ साथ जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए कंफ्यूजन था कि फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो आपके जो फर्स्ट ईयर के लिए प्राइवेट के फॉर्म आने वाले हैं और वो अब हो सकता है 15 फरवरी से पहले भी आ सकते हैं। तो जैसे ही उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आएगा कि आपके फॉर्म कब आ रहे हैं तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।